गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू पार्श्व इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 12। टुडे वी विल स्टडी अबाउट दारा शिकागोस प्रोसेशन, मीन्स दारा शिकागो की परात। दिस पिक्चर इज नोन फॉर इट्स कॉम्बिनेशन इन द मुगल कारपेट पेंटिंग। इन दिस पिक्चर देयर इज एन इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द गारमेंट हॉर्स एंड रॉयल ड्रेसेस। कि ये चित्र मुगल कालीन चित्रों में अपने संयोजन के लिए जाना जाता है। इस चित्र में वस्त्र आभूषण घोड़े और शाही ड्रेसेस के साथ में दर्शाया गया है। इन द ब्रूम गारमेंट राइडिंग हॉर्स ऑन द बैक हॉर्स बैक बिहाइंड शाहजहां ऑन हॉर्स बैक। कि इसमें दूल्हे के परिधान में घोड़ी पर सवार द्वारा और पीछे घोड़े पर शाहजहां बैठे हुए हैं। द लेडीज ऑफ द रॉयल फैमिलीज एंड द म्यूजिकल पार्टीज ऑन द एलिफेंट हैव बीन कम्बाइंड इन अ वेरी अट्रैक्टिव मैनर। कि हाथियों पर राज परिवार की स्त्रियां और वादक दल, जो बैंड वगैरह है, बाजे वगैरह बजा रहे हैं, वो भी बहुत ही सुंदर ही आकर्षित ढंग से संयोजित किया गया, इस पिक्चर के अंदर बनाया गया है। मार्किंग द मैंस एंड वुमेन स्टैंडिंग अप फॉर द रिसेप्शन ऑफ द प्रोसेशंस मेक्स द प्लॉट्स मच मोर क्लियर। कि यहाँ पे जो बारात के स्वागत के लिए हाथ जोड़े खड़े जो स्त्री और पुरुष है, उनको अंकन किया गया है कि वो कैसे उनका बारातियों का वेलकम कर रहे हैं। Fireworks and decoration in the background introduce the beautiful imageries of the painting। के पार्श्व में जो आतिशबाजी, जो fireworks हो रहे हैं और जो वहाँ का एक सजावटी जो है, वो बहुत ही सुंदर परिचय करवा रहा है, बहुत ही एक सुंदर कल्पना शक्ति को परिचय कर रहा है। मानव आकृतियाँ has been made as spectacles। This picture was made by हाजी मदानी। और ये जो पेंटिंग है, ये किसने बनाई गई है? हाजी मदानी। Then जहांगीर ड्रीम्स, कि जहांगीर का सपना, ये भी एक पेंटिंग है। इसके बारे में क्या लिखा गया है? This painting is inspired by the अबू हसन। ये पेंटिंग है, ये किसने inspired, ये किसने बनाई गई है? अबू हसन ने। He believed painters of जहांगीर। ये जहांगीर के काल के पेंटर्स थे। इन दिस पिक्चर्स जहांगीर हैज बीन शोन हीलिंग फ्रॉम द ईरान शाह अब्बास। कि ये जो है ईरान शाह अब्बास से गले मिलते हुए दर्शाया गया है। इन रियलिटी बोथ रूलर्स वर नेवर मीट। लेकिन वास्तव में, मतलब इस पिक्चर के अंदर दोनों को एक दूसरे से गले मिलते हुए बताया गया, लेकिन वास्तव में वो दोनों ही शासक एक दूसरे से कभी भी मिले नहीं थे। This picture is of that period when relations with the Jahangir Irani Sufi Sultan were not sweet। ये चित्र उस दौर का है जब जहांगीर के ईरानी सूफी सुल्तान के साथ रिश्ते मधुर नहीं थे। The illustrations अबू हसन has cleverly placed जहांगीर in the picture with the spirit of the world champion and the world champion। चित्रकार अबू हसन ने चतुराई से इस चित्र में जहांगीर को श्रेष्ठ विश्व विजेताओं के भाव से अंकित किया गया है। इन द पिक्चर जहांगीर वॉज मेड लॉयन एंड शाह अब्बास स्टैंड ऑन द शिप। की इस चित्र में जहांगीर को शेर पे और शाह अब्बास को भेड़ पर खड़े बताया गया है। अटेम्प्ट हैव बीन made to show Jahangir best ever from the ornaments and hall। के वस्त्र आभूषणों से और प्रभा जो मंडल से भी जहांगीर को श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास किया गया है इस पेंटिंग के अंदर। द ग्लोब मैप ऑन द ग्लोब इज कंसिडर्ड द मोस्ट एक्यूरेट इन द कंटेम्परेरी कंटेंट। इन द पिक्चर्स मार्किंग द गोल्डन हालो जहांगीर टाइटल हैज मिट्योर नूर अल दिन। मतलब ग्लोबल पर अंकित विश्व मानचित्र तत्कालीन संदर्भ में सबसे सटीक माना जाता है। चित्र में स्वर्ण मतलब प्रभाव मंडल अंकित किए गए हैं, जिसमें जहांगीर को कौन सी उपाधि मिली गई है? नूर अल दिन की उपाधि प्राप्त की गई है, लाइट ऑफ, जिसको बोलते हैं लाइट ऑफ फेथ। द पिक्चर इज मेड बाय द टेम्परा विद द गोल्ड सिल्वर कलर्स। किस में ये टेम्परा पद्धति का यूज किया गया है।
जिसके अंदर गोल्ड एंड सिल्वर कलर्स का यूज है। द पेंटर अबू हसन वॉज ऑनर्ड बाय द जहांगीर विद द टाइटल ऑफ नूर अल जम।